वेलकम बैक टू माय चैनल केड़े दाल व्लॉग। सो मॉर्निंग का टाइम है और चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती है। मैंने उड़द दाल रात को भिगो के रखा था, सुबह मैं इसका नाश्ता बनाने वाली हूँ। सो मैं इसका बनाने वाली हूँ मेंदू वड़ा। एटलीस्ट इसको 8 आवर्स तक तो भीगना चाहिए। अगर आपको रात को बनाना है वड़े तो आप सुबह भिगा दीजिए, अगर सुबह बनाना है तो रात को भिगा दीजिए। देखिए, और इसको अच्छे से 2-3 बार वॉश करके फिर ग्राइंड कर लीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने उड़द दाल पीस के रख लिया है बारीक सा। देखिए, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए ताकि वो क्रंचीनेस रहे। और इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया, बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, टमाटर और प्याज बहुत ही बारीक काटना है। और आप इसमें मिर्च भी ऐड कर सकते हो, बट मैं इसमें मिर्ची नहीं डाल रही हूँ क्योंकि किरण को मिर्ची नहीं पसंद है। सो इसमें मैं लाल मिर्च डालूंगी पाउडर। तो ये सारे वेजेस को मैं डाल दूंगी इसमें। एक भी इसको मिक्स करके थोड़ा सा सोडा और नमक डाल के बना सकते हो, बट इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। देखिए, 2 टेबलस्पून जितना मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है इसमें। बारीक रवा सूजी, इससे ये जो मेंदू वड़ा के जो क्रिस्पीनेस है बहुत ही अच्छा आएगा। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे हरी मिर्च स्किप कर रही हूँ। खाने वाला सोडा जी, इसमें पानी वानी कुछ भी मत डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी जो हम लोग ने उड़द दाल को पीस के रखा था उसमें मॉइस्चर बहुत होता है, तो पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिक्स करके रख दिया है, तो इसको 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी रेस्ट के लिए। वड़े बनाने के लिए हमें एक कटोरी में पानी चाहिए और एक कटोरी चाहिए। आप कटोरी कोई भी ले सकते हो। तो इस तरह कटोरी के पीछे पानी लगाकर और जो डो है उसको छोटा सा बॉल शेप में बनाकर उसमें बीच में एक होल कीजिए। आपके हाथों में पानी लगाकर ही आप काम कीजिएगा ताकि ये जो बैटर है वो आपके हाथों में चिपकेगा नहीं। तो ईज़िली ऐसे बना दीजिए और आराम से गर्म तेल में छोड़ दीजिएगा। तेल गर्म होने के बाद ही इसमें ऐड कीजिए वड़े, और ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। तो देखिए, दोबारा एक बार मैं दिखा रही हूँ, कटोरी के पीछे पानी लगाना है, फिर बाद में बैटर लेना है और पानी के हाथ से आपको बीच में होल बनानी है और धीरे से तेल में छोड़ना है। ध्यान रखिए, तेल गर्म होना चाहिए, बाद में उसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक बार नीचे गर्म होने के बाद ही वड़े को पलट लीजिएगा और वड़े को गोल्डन कलर आए तब तक फ्राई कीजिए, तो ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा। और दिवाली में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रेकफास्ट बना के अपने बच्चों को और बड़ों को सर्व कर सकते हो। तो देखिए, मेरे दोनों बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और छोटा वाला अभी 9 मंथ्स का ही है, बट उसको वड़ा खाना है। देखिए कैसे चिल्ला रहा है, और मैंने उसे थोड़ा दे दिया है। देखिए, उसको थोड़ी सी मिर्ची लग गई। सो गाइस, हम लोग अब चलते हैं DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वॉल हैंगिंग क्राफ्ट। तो यहाँ पे मैंने कियांश का नोटबुक का यूज़ किया है पेपर का, और इस तरह से रोल बना के मैंने स्टिक किया है फेविकोल से। तो यहाँ पे मैंने 30 बनाए, तो आधा मैंने यानी कि 15 सेंटीमीटर तक रखा है और 10 सेंटीमीटर, और दोनों एडजस्ट को अच्छे से काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और सर्कल में काटा है। आप छोटा बड़ा आपके हिसाब से काट सकते हो। तो यहाँ पे हमें 2 सर्कल का यूज़ होगा, और बाकी यहाँ पे मैं पत्ते के शेप से ड्राइंग करके कट कर लिया है। ऐसे हमें बहुत सारे कट करके रखना होगा, और हमने एक सर्कल लेके उसके ऊपर इस तरह से पेपर रोल को एडजस्ट करके स्टिक करना है, एक बड़ा एक छोटा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, और उस रोल को पहले एक बार एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको स्टिक करना होगा ताकि समझ में आएगा। तो इस तरह से आप वेस्ट मटेरियल के साथ यूज़ करके अपना घर सजा सकते हो DIY बना के। बहुत ही अच्छा हैंगिंग क्राफ्ट है, आप ज़रूर ट्राई करना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से दूसरा एक रोल चिपकाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रखिएगा ताकि वो चिपक जाएगा, अदरवाइज़ आप हॉट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। और ये जब पेपर रोल है उसके साइड में मैंने इस तरह से पत्ते को चिपका दिया है और बीच बीच में सर्कल छोटे छोटे कट करके उसको डेकोरेट किया है। और यहाँ पे मैं फेब्रिक कॉल का कलर यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक कलर, आप कोई भी कलर कर सकते हो। और मैंने थोड़ा सिल्वर और गोल्डन कलर यूज़ करके बहुत ही अच्छा हैंगिंग क्राफ्ट बनाया है। और यहाँ पर मैं एमसील ले रही हूँ और पीछे इस तरह से डोरी बांध के उसको चिपका दिया है ताकि हम लोग इजीली हैंग कर पाए। तो देखिए कितना अच्छा पीस बन गया है डेकोरेट। मैंने
सो गाइस अभी मैं दूसरा बना रही हूँ क्राफ्ट। यहाँ पे मैंने एक बॉटल लिया है, बीच में से इस तरह से कट कर लिया है, और एक वायर लिया है तार, आप इजीली कोई भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, उसको मैंने गर्म करके बॉटल पे होल किया है दोनों साइड, और उसको इस तरह से मैंने बांध के हैंग करने के लिए बना दिया है, देखिए इस तरह। उसके ऊपर मैंने चार्ट पेपर चिपका दिया है रेड कलर, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेपर लैंटर। सो देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है पीस, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो इक्वली हमें चौरस कट करना है स्क्वायर शेप में, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्क्वायर शेप में कट करके रख लिया है, और उसको मैंने साइड में कॉर्नर में येलो कलर से मैंने बॉर्डर चिपका दिया है। तो इस तरह से आपको चिपका लेना है बॉर्डर येलो कलर से। सो रेड और येलो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, आप दूसरा कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, और दिवाली के मौके पे आप अपने बालकनी में ऐसे डेकोरेटिव से लैंटर से सजा सकते हो। तो इसे हमें बैक साइड में फोल्ड करके स्टिक कर लेना है फेविकोल से, और बीच में यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला पेपर, और इस तरह से मैंने चिपका के रेडी कर लिया है। तो स्टेशनरी में इजीली मिल जाएगा, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे रेडी करके रख लिया है स्क्वायर, और ये जो हम लोगों ने बॉटल पे चिपका दिए थे कार्डबोर्ड सॉरी ये चार्ट, उसके ऊपर हमें ये पूरे से राउंड राउंड में स्टिक कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से स्टिक करना है सर्कल में, और बीच में इक्वली आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा चिपका दिया है, स्टिक कर लिया है। बाहर ख़रीदने से अच्छा आप वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके घर में ही DIY बना सकते हो। बाहर से ख़रीदने से अच्छा आप अपने हाथों से घर पे बनाइए, इजीली बन जाएगा, और बहुत अच्छे से सजा सकते हो, पैसे को बचा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऊपर इस तरह से राउंड राउंड में कट करके मैंने स्टिक किया है, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, और नीचे हमें लगाना है हैंगिंग का। तो यहाँ पे मैंने एक एक इंच का गैप लेके मैंने कट किया है, देखिए, और यहाँ पे नीचे मैं चिपका के इसे कंप्लीट करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसमें स्टोन्स लेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली मैंने इसमें बॉटल और वायर इसलिए यूज़ किया है ताकि हम लोग इसमें बैटरी लाइट भी यूज़ कर सकते हो, और हैंगिंग करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, निकल नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने वायर लगाया है इसलिए। और एक्चुअली ये कियांश का प्रोजेक्ट है, तो वो इजीली कैरी भी कर सकता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। क्राफ्ट तो मुझे बचपन से बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी बॉटल को क्ले से इस तरह से डिज़ाइन करके कलर किया है एंटीक कलर, और बीच में मैंने स्टोन लगाया है। आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को हिट करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।